moment. यहां पर मंच पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहुत ही वरिष्ठ नेता बहुत ही प्रिय नेता समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सहयोग और समर्थन के साथ आपके बीच में चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी जी, पार्टी के हमारे अध्यक्ष महेंद्रनाथ यादव जी, मंच पर उपस्थित विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी, विधायक कवेन चौधरी जी, ज्ञानेंद्र पांडे जी, राम सुभाष वर्मा जी, आशीष मौर्य जी, अंबिका सिंह जी, राजमणि पांडे जी, त्रयंबक पाठक जी, हाल ही में हमारे साथ और इस लड़ाई में सहयोग और मदद करने वाले हमारे दयाशंकर मिश्र जी, मोहम्मद स्वायल श्रीपति आदरणीय श्रीपति सिंह जी, चंद्रभूषण मिश्र जी, राज कपूर यादव, जमील अहमद साहब, मोहम्मद निजामुद्दीन से लेकर के बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, संगठन के सभी सहयोगी साथी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहनें और नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं इस बस्ती के लोकसभा के यहां पर उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं इस मैदान में पंडाल के नीचे पूरा सामने से लेकर के आखिरी तक देख रहा हूं, जहां इंटर कॉलेज की दीवार है वहां भी लोग खड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, दाईं तरफ मंच के अलावा दूर बाउंड्री तक और जो आपके पीछे सड़कें हैं, जब मैं हेलीकॉप्टर से उतर रहा था वहां पर भी बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे थे। ये बस्ती का चुनाव मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। और लग तो ऐसा रहा है कि यहां से रामप्रसाद चौधरी जी न केवल जीत करके जा रहे हैं बल्कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत और रिकॉर्ड मतों से जीत करके जाएंगे। मैं देख रहा हूं इस चुनाव में हर चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। जहां चार चरणों में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट गई, वहीं पांचवें चरण में जो वोट पड़ रहा है ऐसा वोट पड़ रहा है कि आपके बगल की लोकसभा अयोध्या से लेकर के हर जगह भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। न केवल गुस्सा बढ़ रहा है बल्कि आप देख लेना जब सातवें चरण में चुनाव आएगा जनता का गुस्सा भी सातवें आसमान पे दिखाई देगा। बीजेपी के जाने कितने नेताओं ने क्या क्या बातें रखी हैं, अभी तक जितनी भी बातें उन्होंने रखी बीजेपी की हर बात झूठी निकली और उनका हर वादा जनता के लिए किया हुआ झूठा निकला। इन बीजेपी वालों ने कहा
कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहां बड़े पैमाने पे किसान भाई मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग हैं। आज 10 साल में बताओ किसी भी किसान की पैदावार की कीमत दोगुनी हो गई हो। जिन्होंने कहा आय दोगुनी हो जाएगी, उनकी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ी है, और अगर हिसाब किताब किसान लगाएगा तो हर फसल की उसकी लागत बढ़ गई। जहां लागत कम होनी चाहिए थी, जो कीटनाशक दवाइयां हैं, खाद है, यूरिया है, आपका डीएपी और तमाम चीजें जो सस्ती होनी चाहिए थी, वो सस्ती तो हुई नहीं, लेकिन लागत लगातार बढ़ाती गई है सरकार। और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे किसान के परिवार में जो खुशहाली आनी चाहिए थी वो खुशहाली नहीं आई। और एक समय तो किसानों ने ऐसा देखा, जिस समय ये सरकार काले कानून ला रही थी, और वो काले कानून अगर लागू हो गए होते तो हमारे किसानों की पैदावार की लूट तो होती ही होती, वहीं उनकी जमीनों पर और खेती पे भी ये कब्जा कर लेते। किसान खिलाफ खड़ा हो गया इनके, आंदोलन किया उन्होंने, पूरे देश के किसानों ने इनके खिलाफ माहौल बनाया, हजारों शहीद हुए। यहां तक कि सरकार ने अपना पूरा प्रशासन और ताकत लगा के किसानों का आंदोलन को रोकने का काम किया। इन्होंने थार तक किसानों पर चढ़ा दी, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। तभी दिल्ली छोड़ करके गया, जब काले कानून वापस हो गए तब दिल्ली छोड़ करके किसान गया। अभी किसानों की जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई हैं। जो हमारा किसान न जाने कब से मांग कर रहा है कि एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिले, हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जहां गन्ने की लाभकारी मूल्य दिलाएंगे आपको, जिससे आपके घर परिवार में खुशहाली आ जाए, उसके साथ साथ हर फसल की एमएसपी के लिए आपको कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन सरकार करेगी। जहां कानूनी अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन ने यह भी तय किया है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्ज माफ किया है। अभी तक तो हम लोग 16 लाख करोड़ बोलते थे, लेकिन नए आंकड़े, नई तरह की जो जानकारी मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपति जो उनके साथी हैं, उनका लगभग 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है। जब इस सरकार ने नियम बनाया कर्ज माफी को लेकर के, तो उन्होंने नियम बनाया कि जिन लोगों ने 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया है, उन लोगों का कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन हमारा गरीब और किसान जानता होगा, ये करोड़ों में कर्ज नहीं लेता, इसके ऊपर तो केवल लाखों का कर्ज है। आज हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है, सत्ता आने के बाद 4 जून के बाद अपने किसानों का, गरीबों का भी कर्ज माफ करने का काम इंडिया गठबंधन सरकार करेगी। कर्ज माफ होगा, और वहीं अपने किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए भी हम लोग व्यवस्था बना करके अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। जहां इनकी सरकार में किसान दुखी रहा, वहीं ये नौजवान जानते हो दूर रखा गया है।
इनको किसी को नौकरी नहीं दी, ना रोजगार दिया। लखनऊ से लेकर के और जगह पर दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर के इन बीजेपी के लोगों ने देश के बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए, उन लोगों को बुला करके बैठा करके कहा कि निवेश आएगा उत्तर प्रदेश में। फिर डिफेंस को लेकर के डिफेंस एक्सपो किया गया और जनता को झूठे सपने दिखाए गए कि निवेश आएगा। G20 का भी आयोजन हुआ, लेकिन आज देखिए जमीन पर कोई निवेश नहीं आया है। और अगर निवेश आया होता तो हमारे नौजवानों को कुछ न कुछ रोजगार मिल गया होता, न रोजगार न नौकरी। और जब कभी भी प्रदेश का नौजवान परीक्षा लिखने गया तो उसका पेपर लीक हो गया, और एक पेपर लीक नहीं हुआ, यहां पर नौजवान जानते होंगे जो परीक्षा देने गए होंगे, सब परीक्षाएं के पेपर लीक हो गए, एक के बाद एक पेपर लीक हुआ, एक के बाद एक पेपर लीक होता चला गया। जिन्होंने गिने होंगे वो जानते होंगे 10 लीक हुए हैं, सब नहीं, ये पता नहीं और पेपर, बल्कि जो आधी अधूरी नौकरी के लिए इंतजाम किया है उन्होंने अग्निवीर वाला, हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो नौजवान सड़कों पर दौड़ करके तैयारी करता था फौज की वर्दी पहनने के लिए और सीमा की रक्षा के लिए, जो दिन रात अपना पसीना बहाता था, उस फौज की नौकरी को भी इन्होंने आधा अधूरा बना दिया, 4 साल की नौकरी बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं जिस समय इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी आपकी अग्निवीर नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आपको न केवल नौकरी बल्कि पक्की वर्दी पहन करके सीमा पर रक्षा करने का मौका दिया जाएगा। और जो सरकार की 30 लाख नौकरियां भी खाली पड़ी हैं, 30 लाख नौकरियां जो खाली पड़ी हैं उनको भी भरवा करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये सरकार केवल आपकी नौकरी नहीं छीन रही है, ये नौकरी नहीं छीन रही है आपकी, बल्कि आपका एक तिहाई जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। सोचना जाकर के 10 साल में जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उससे केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी गई है बल्कि आपके जीवन का एक तिहाई जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। अभी तो इन्होंने फौज की नौकरी 4 साल की है। मैं अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को जब देखता हूं तो मैं उन्हें भी सावधान करता हूं कि अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो खाकी वर्दी पहनने वालों की नौकरी 3 साल की कर देंगे। जब ये बात मैं कहता हूं तो प्रेस के लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं, तो मैंने जवाब में पूछता हूं कि बताओ क्या एयरपोर्ट बिकने से बेचने के लिए आपको पता था, क्या एयरपोर्ट एक दिन बिक जाएंगे, क्या हवाई अड्डों के बारे में पता था कि बिक जाएंगे, क्या हवाई जहाज का पता था बिक जाएंगे, बंदरगाह का क्या पता था कि बिक जाएंगे, क्या पता था कि आपको सरकारी विभाग में आउटसोर्स की नौकरी हो जाएगी, और क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी। जब आपको ये नहीं पता था तो फिर
अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी दी है, इनकी हमारे 3 साल की नौकरी कर देंगे, इसलिए सावधान रहिए आप लोग भी। सावधान है कि नहीं है? और पहले तो बोरी में कितनी चोरी की इन्होंने, पहले 5 किलो और अभी फिर कितनी चोरी कर दी, अब कुल मिलाकर कितनी चोरी हुई है बोरी से? कभी सोचा ये बोरी की चोरी कहां से सीखे? बाजार में जाना कभी देखना, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं किया, तो बताओ पैकेट कितना छोटा हो गया? छोटा हो गया पैकेट के नहीं हो गया? अब कितने बिस्किट का पैकेट है? ये सरकार में आ गए तो 1 बिस्किट का पैकेट आपको मिलेगा। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? आपकी मोटरसाइकिल 10 साल पहले कितने रुपए की आती थी और आज मोटरसाइकिल कितने रुपए की है? जो बाजार में आप दवाई लेते थे सस्ती, बताओ आज वो महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और कभी देखना जाके बाजार में, जो आपको डॉक्टर साहब जो पर्चा लिखते हैं, पहले आपका बुखार ठीक हो जाता था 500 मिलीग्राम की जो आपको दवाई मिलती थी, जो गोली मिलती थी 500 mg की, उसमें ही बुखार ठीक हो जाता था। लेकिन आजकल 650 की डॉक्टर लिख रहा है तब भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है। वैक्सीन लग गई सबके? याद कीजिए, जबरदस्ती लगाई वैक्सीन के नहीं लगवाई? हमें आपको तो लगवाई लगवाई, इन पुलिस वालों को भी जबरदस्ती लगवा दी। और वैक्सीन से जान को खतरा हुआ है कि नहीं हुआ? और सुनने में आ रहा है ब्लड क्लॉटिंग से लेकर के हार्ट वाली समस्या आ गई है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई। न केवल हमें आपको वैक्सीन लगवा दी, बल्कि वैक्सीन वाली कंपनी से बीजेपी वालों ने चंदा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपने जान लिया होगा, कोई कंपनी नहीं छोड़ी जिससे इन्होंने चंदा ना वसूला हो। हम और आप लोग अगर किसी की मदद करते हैं, चंदा देते हैं, तो हजारों में देते हैं, कोई ज्यादा संपन्न है तो लाख में दे देता है, लेकिन कोई करोड़ और हजार करोड़ में नहीं देता है। इन बीजेपी के लोगों ने जबरदस्ती करके ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा करके इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा वसूलने का काम किया। और जब से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जानकारी जनता को हो गई, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बैंड बज गया है, ये सामना नहीं कर पा रहे हैं। क्या इनके पास कोई है रास्ता जो बता सके कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो लिए उन्होंने ईमानदारी से लिए हैं क्या? और याद रखना, अगर कोई 1000 करोड़ रुपए देता है तो वो मुनाफे के 2000 करोड़ रुपए कमाएगा। जो इन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिए हैं, इससे न केवल भ्रष्टाचार हुआ है बल्कि महंगाई भी बढ़ाने का काम इन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के कारण हुआ है। याद कीजिए, आपको राशन देते थे ये लोग, जब पिछला चुनाव था तो इन्होंने राशन देने का काम किया था, और राशन में इन्होंने रिफाइंड तेल से लेकर के दाल से लेकर के चना भी दिया था। लेकिन आज बताओ राशन में क्या मिल रहा है आपको? बताओ राशन की क्वालिटी खराब कर दी कि नहीं कर दी? न जाने क्या दे रहे हैं राशन में, हमारे गरीबों को खाने में राशन न जाने कैसा दे रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो न केवल राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, राशन की गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ साथ हमारे गरीबों का भरपेट भोजन हो जाए,
उसके लिए राशन की मात्रा भी बढ़ाएंगे। और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से बाजार में लोग आजकल पौष्टिक पैकेट का आटा खरीदते हैं, हाँ हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों को भी पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री देने का काम होगा। और ये डाटा इसलिए दे रहे हैं, ये डाटा इसलिए दे रहे हैं कि पौष्टिक आटा से तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा गरीबों का, और डाटा से हमें जानकारी मिलेगी, हम अपना काम कर सकेंगे। ये नौजवान जानते होंगे आज हर चीज ऑनलाइन है, पढ़ाई भी ऑनलाइन है, फॉर्म भी ऑनलाइन है, कोई जानकारी हासिल करना चाहोगे वो भी ऑनलाइन है। और आजकल ये हमारी जरूरत बन गई है, इसलिए अपने गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए गुणवत्ता के साथ साथ मात्रा बढ़ाएंगे। आटा जो पैकेट का मिलेगा उसके साथ साथ अपने नौजवानों को डाटा फ्री दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जहां ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का है, वहीं ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इधर ये लोग नारा दे रहे थे 400 पार, बताओ अब क्या हो गया इनके नारे को 400 पार के? ये बाद में समझ में आया कि ये 400 पार क्यों बोल रहे थे। हमारे साथी लोग जानते होंगे लोकसभा में जो चुन करके आते हैं कुल मिलाकर के 543 लोग होते हैं, 543, और अगर 400 पार का नारा दे रहे थे तो बताओ 400 पार के बाद कितनी लोकसभा के सांसद बचे? 143। इस बार याद रखना, बीजेपी को 140 करोड़ देश की जनता 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम 400 के पार वाली सीटें जीतेंगे। इसलिए सावधान हैं कि नहीं हैं आप? इन्होंने हमें और आपको झूठ बोलकर के वोट लिया कि नहीं लिया? क्या कहते थे, डॉलर और रुपया, कि डॉलर नीचे जा रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, बताओ और डॉलर कहां पहुंच गया है? जो लोग विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे थे, जो विकसित भारत बनाने की बात कर रहे थे, बताओ हमारा भारत कहां पहुंचा दिया इन्होंने? आज दुनिया में भारत बहुत नीचे पहुंचा दिया। इसलिए अपने साथियों को कह के जा रहे, प्रेस के साथियों को, कि 4 जून के बाद मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा, ये मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इसलिए वोट करोगे आप लोग, मदद करोगे? ये इनके अच्छे दिन तो आए नहीं, कम से कम 4 जून को इनको हरा के खुशियों के दिन तो ले आओ। बताओ लाओगे खुशियों के दिन? ये जो बीजेपी वाले हैं, अभी तक तो दूसरों को परेशान कर रहे थे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से, सुनने में आ रहा है ये अपने लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। दूसरे अब मिले नहीं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के लिए, अब सुनने में आ रहा है कि अपने लोगों को भी इस जिले में भी हो रहा है। ये जिला तो किसी और चीज के लिए भी जाना जाता था पुराने चुनाव में, याद है कि नहीं याद है? इसलिए बीजेपी के लोगों से सावधान रहोगे आप, और आपके हमारे सब काम खराब कर दिए कि नहीं करा दिए? हम लोगों ने एम्बुलेंस चलाई थी गरीबों के लिए, एम्बुलेंस खराब कर दी। जो अस्पताल बन रहे थे जहां गरीबों का इलाज हो सकता था, आज 10 साल के बाद भी देखिए
बीजेपी ने कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनवाया जहां पर गरीबों का इलाज हो जाए। जो मेडिकल कॉलेज की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी खड़ी की हैं उसमें ना डॉक्टर हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना कोई दूसरा टेक्निकल स्टाफ है, ना मशीनें हैं। बिल्डिंगें तो खड़ी हो गई लेकिन हमारे गरीबों का इलाज वहां भी नहीं हो पा रहा। ये जो पुलिस के लिए इंतजाम किया था 100 नंबर वाला, इन्होंने 112 कर दिया। हमारे पुलिस के भाइयों को लगा कि जब 100 से 112 उन्होंने कर दिया तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? और सुनने में तो ये आ रहा है, कोई बात नहीं, ये अग्निवीर की भर्ती में जाना चाहता है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, एकदम ये फौज की भर्ती वाला नौजवान है पक्का एकदम। अरे इसके लिए क्या लॉन्ग जंप, क्या हाई जंप। इसलिए साथियों ये सब बातें आपको पता हैं, इसे सावधान रहिए। लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है। बीजेपी और बीजेपी वालों के पंडाल आप पता कर लो खाली हैं, उनके पंडालों में नहीं है जनता, उनके पंडालों में बैठ रहे हैं विभाग के अधिकारी कर्मचारी, कपड़े बदल करके बैठ रहे हैं आजकल। जनता सुनने नहीं आ रही उनकी, इसलिए मदद करना है इस चुनाव में। और बड़े भरोसे के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया है और ये ऐसा गठबंधन है जो परिवर्तन लाने का काम कर रहा है। अभी जो समर्थन दिखाई दे रहा है शायद ऐसा समर्थन पहले कभी देखने को नहीं मिला, जहां जनता स्वयं आगे चल रही है और जिताने के लिए तैयार है। इसलिए जब रिजल्ट आए बस्ती का तो बताओ ऐतिहासिक रिजल्ट दोगे कि आप लोग के नहीं दोगे? और याद रखना हम सब लोग मिलकर के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं सरकार बनाना तो चाहते हैं, सरकार तो बनेगी बनेगी, सबसे प्राथमिकता पे अगर होंगे तो हमारे किसान जिनका कर्ज माफ करना है और नौजवान जिन्हें नौकरी और रोजगार दिला करके उनके भविष्य को बेहतर करना है, इसलिए मदद करना। यही निवेदन यही अपील मैं करने आया हूं। ये नेता आपके बहुत पुराने हैं, पुराने नेता हैं कि नहीं है आपके? और आपके प्रिय नेता हैं कि नहीं है? तो अपने बूथ की रक्षा करोगे स्वयं के नहीं? ऐसा तो नहीं कि ये कुछ लोग रोकें आपको बूथ पे जाने के लिए? अरे घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? वोट डालना तो जानते ही हो ना सब लोग, वोट डालिए सब लोग मिलकर के और साइकिल की रफ्तार बढ़ाइए। बढ़ाओगे आप लोग? इसलिए अपने बूथ की रक्षा करना। आप बूथ पे रक्षा करेंगे, आप वोट डालेंगे तभी जाकर के आपका संविधान बचेगा, तभी आपका हमारा सम्मान बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद भी देता हूं। वहीं मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारा सहयोग और मदद करोगे। ये बीजेपी वाले लोग जो हैं कभी कभी बुलडोजर से हम लोगों को डराते हैं। क्या बुलडोजर में दिमाग होता है क्या? अगर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है और कभी स्टेयरिंग पे आदमी बदल गया तब क्या होगा? और हमने तो यहां तक सुना है कि कुछ अधिकारी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के समाजवादियों को परेशान कर रहे हैं। सुना है कि भट्टे में पानी डाल दे रहे हो।
और अगर हम लोगों ने पानी डालना शुरू कर दिया तो कहां बह जाओगे पता नहीं लगेगा। अभी हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों को मैंने बताया कि फौज की नौकरी कितने साल की हुई थी, इनकी नौकरी 3 साल की जरूर हो जाएगी बीजेपी की सरकार में। अब ये जान गए हैं, अब ये आपकी मदद करेंगे। अभी तक नहीं पता था इनको कि इनकी नौकरी भी हो जाएगी 3 साल की। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, घबरा तो नहीं जाओगे, घबराओगे तो नहीं आप लोग, इन चीजों से डर तो नहीं जाओगे। अरे हम ही लोग नहीं डरे तो तुम लोग कैसे डर जाओगे? बताओ ये पीडीए की लड़ाई बड़ी है कि नहीं है? आपके पीडीए परिवार के लोगों के साथ धोखा इन्होंने किया कि नहीं किया? और जो यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं वो हमारे आपके परिवार का कोई अपॉइंट नहीं हुआ है, और जो अपॉइंट वो कर रहे हैं किसी को वो भी हमारे आपके पीडीए परिवार का कोई अपॉइंट नहीं हो रहा। बताओ आरक्षण को छीन रहे कि नहीं छीन रहे लोग? ये जितना निजीकरण करेंगे, जितना चीजों को बेचेंगे, बताओ हमारा आपका जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत आरक्षण दिया था, बताओ ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है यही हमें अधिकार दिलाता है, यही हमें न्याय दिलाता है, और सच्चाई तो ये है, यही हमारी संजीवनी है। बताओ इसको बचाओगे कि नहीं बचाओगे? हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहां हम लोगों ने पहले भी काम किया था, चाहे विकास के लिए योजनाएं लागू करनी हो वो तो की, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, बिजली का इंतजाम कैसे बेहतर हो, सर्विस स्टेशन कैसे ज्यादा बने, उन तमाम इंतजामों को करने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी सरकार में आएंगे तो ये हमारा बस्ती जिला वो जिला रहा है जहां चीनी मिलों का संख्या बहुत थी, इधर चीनी मिलें भी बंद हो गई हैं, कुछ तो हम लोगों ने अपनी सरकार में शुरू की थी। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं जब कभी भी हमारी सरकार समाजवादियों की बनेगी तो अलग से बजट का इंतजाम कर करके आपके वाल्टरगंज वाली चीनी मिल को भी चला करके और उसको टेक्नोलॉजी और नए जमाने की चीनी मिल बना करके अपने किसानों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग और मिलकर के साइकिल की बटन दबा देना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गाना मैंने सुना है, ये जो सांसद बार बार जीत जा रहे हैं इनके लिए एक दिल्ली से गाना आया है बहुत बड़ा, कुछ साथियों ने तो सुन लिया होगा, दिल्ली से आया है, बीजेपी के सांसदों के लिए गाना बनाया किसी ने। मैं चाहता हूं कि अगर इनके पास गाना तो वो भी चला के सुना दें। Yeah।